चूरू जिले के सालासर के निकटवर्ती गांव कोलासर में बुधवार दोपहर दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक निजी स्कूल में सातवीं कक्षा के छात्र को बेरहमी से पीट पीट कर शिक्षक ने मौत के घाट उतार दिया। 13 वर्षीय बालक का कसूर केवल इतना था कि उसने गृह कार्य नहीं किया था, जिसकी सजा शिक्षक ने मासूम को मौत के रूप में दी। सालासर पुलिस के मुताबिक कोलासर निवासी ओम प्रकाश ने रिपोर्ट दी कि उसका 13 वर्षीय पुत्र गणेश कोलासर के किसी निजी शिक्षण संस्थान मोल्डन पब्लिक स्कूल में सातवीं कक्षा का छात्र है, जो 2-3 महीनों से स्कूल जा रहा था। गणेश ने अपने पिता को गत 15 दिनों से 3 बार शिकायत की कि उसका शिक्षक मनोज बेवजह उसके साथ मारपीट व पिटाई करता है। बुधवार को भी गणेश स्कूल गया था। सुबह करीब 9:15 बजे विद्यालय से आरोपी शिक्षक मनोज का फोन आया कि गणेश होमवर्क करके नहीं लाया है, इसलिए उसकी पिटाई की गई है, इसलिए वह बेहोश हो गया। पिता उस समय खेत के कार्य करने के लिए खेत गया हुआ था। पिता ने शिक्षक से पूछा कि वह बेहोश कैसे हुआ, तो आरोपी शिक्षक ने कहा कि वो बेहोश हुआ है और मरने का नाटक कर रहा है। उस समय के बाद पिता ओम प्रकाश स्कूल पहुंचा, जहां उसकी पत्नी पहले से ही स्कूल में मौजूद थी। स्कूल में के बच्चे काफ़ी घबराए हुए थे। बच्चों ने बताया कि आरोपी शिक्षक मनोज ने गणेश को बेरहमी से लात घूसों से पीटकर और ज़मीन पर पटक पटक कर पिटाई की है। इस बेरहमी से पिटाई के दौरान छात्र लहूलुहान हो गया। परिजनों के पहुंचने के बाद घायल बालक को सालासर के निजी अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने गणेश को मृत घोषित कर दिया। ओम प्रकाश ने आरोपी शिक्षक मनोज के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। बहरहाल सालासर पुलिस ने बालक का शव परिजन राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा, जिसके बाद अस्पताल के आगे ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। मारो नाम ओम प्रकाश है, गांव कोलासर है और मारो बच्चो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते, तो मास्टर को मार्ग ने फोन आयो क्यों तारो बच्चो बेहोश हो गयो। मैं बाद में गयो जब मारो बच्चन में देखियो को तो मरेडो लादियो ऐप के नाक में खून आ रहे हो और 2-3 जगह माथे में चोट आ रही आँखियाँ गैर। अच्छा मन को क्यों क्यों बीपी कम होगी जब बोले दिखा नहीं चला 18 साल से रहा जब भी डॉक्टर मृत घोषित कर दिया। मारे बच्चन साहब लात गुस्सा हूँ सुगलो गुणों मरियो बिगो जी निकल गया।